स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और एक बार फिर हम आपको दे रहे हैं अपडेट कवर्धा में हुए सड़क हादसे की, जहां मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ था, अब 18 हो गई है मरने वालों की संख्या। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत नाजुक है। पिकअप में 30 से अधिक लोग सवार थे। ये सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे, जहां पर ढलान में पिकअप गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये मरने वालों जो जिनकी मौत हुई है उनके शव रखे हुए हैं। सभी लोग 30 से अधिक लोग इस मालवाहक गाड़ी में सवार थे जो वापस लौट रहे थे तेंदुपत्ता तोड़कर, और जब ढलान के पास ये हादसा होता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, ड्राइवर वक्त रहते कूद जाता है, इस तरह की जानकारी है। और ऐसे में जो लोग संभल नहीं पाए उनके इस हादसे में मौत हो गई। 18 मरने वालों का आंकड़ा अब तक हो चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ हुई बातचीत में ये कहा था कि वो मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरह रफ्तार इन लोगों के लिए काल बन गई। ये तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे एक पिकअप गाड़ी में सवार होकर। 18 लोगों की मौत हो गई, हादसे में कई घायल हैं। कवर्धा हादसे पर सीएम ने भी दुख व्यक्त किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सड़क हादसे में 18 ग्रामीणों का निधन का दुखद समाचार मिला। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो बहापानी गांव के पास पिकअप पलटने से 18 ग्रामीणों के निधन का दुखद समाचार मिला। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और इन शब्दों के साथ दुख व्यक्त करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने यह पोस्ट किया है। प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हुई थी, नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी, और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। पर विस्तृत जानकारी थोड़े समय बाद पता चलेगा कि कारण क्या है। जब प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी, प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है, और जांच होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता चलेगी कि किस कारण से ये घटना हुई है। अभी तो प्रशासन का पूरा ध्यान परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने में, घायलों के इलाज में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, और जांच पर घटना की जो भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी उसके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इस हादसे पर थोड़ी देर पहले हमने बात की थी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से, उस बातचीत को आप एक बार फिर सुनिए। जी, कवर्धा जिले में कुकदूर क्षेत्र है, वहां पर तेंदुपत्ता के लिए पिकअप गाड़ी में सब लोग गए थे, और लौटते समय ढलान में ब्रेक फेल होने से ये दुर्घटना हुई है। इसमें लगभग 15 लोगों के दुर्घटना होने की खबर है। जी, दुखद विषय है, सच्चाई विषय है। जो इंजर्ड है क्या उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है? हाँ, वो रास्ते में है, उनको ले जाया जा रहा है। प्रशासन के सभी लोग एसपी कलेक्टर सब पहुंच रहे हैं, मैं भी रास्ते में हूँ, इतना हो रहा है कुछ पहुंच जाऊंगा। आप भी मौके पर पहुंच रहे हैं? हाँ जी, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये उस समय की बातचीत है जब आंकड़ा 15 था मरने वालों का, और उसके बाद आंकड़ा अपडेट हुआ यानी कि बढ़ गया, और अब 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस दुखद हादसे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी अफसोस जताया है। मजदूरों की मौत की खबर विचलित करने वाली है। सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि, घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए।
ये पोस्ट किया है दीपक बैज ने। कवर्धा हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ये दीपक बैज का पोस्ट है। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी और युगल तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, अभी तक क्या जो ऑफिशियल अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो क्या अब तक जो लेटेस्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, अगर हम बात करें, हादसे बुला कर नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही अगर होगी तो इस तरह के हादसे कभी भी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, खास करके सड़क हादसे, उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इन हादसों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए जिस तरह से निरी जो आदिवासी वनांचल क्षेत्र के जो 18 लोग हैं वो मारे गए हैं ये हादसे में, तो अब तक के जो हादसे में जो आंकड़ा है उसकी संख्या है 18 हो चुकी है। शेष जो घायल है उनका इलाज अभी जारी है। क्योंकि काफ़ी तेज रफ्तार पिकअप वाहन थी और इसमें 25 से अधिक लोग सवार थे, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है। और जिस तरह से पिकअप वाहन पर सवारी को ढोया जा रहा था, ये बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन जानकारी ये भी है कि इस हादसे में जो वाहन चला रहा था ड्राइवर, वो कूद करके अपनी जान उसने बचा ली है। तो किस तरह का ये हादसा हुआ उसके बयानों के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की सड़कों की करें, तेज रफ्तार रफ्तार की कहर की बात करें, तो इस तरह की जो दुर्घटनाएँ हैं आम हो चली है। और ख़ास करके ग्रामीण अंचलों में, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि आसानी से साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो यही वजह है कि लोग पिकअप वाहन का उपयोग करते हैं, मालवाहक का उपयोग करते हैं। और यही वजह है कि क्योंकि वो उस मापदंड से, सवारी के मापदंड से नहीं बना होता है, इसलिए यहाँ पर कैजुअल्टी है वो ज़्यादा होती है। कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। अगर समय पर, चूँकि वनांचल क्षेत्र है, समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से कैजुअल्टी की संख्या है वो अमूमन बढ़ जाती है। देखना होगा कि फौरी तौर पर उन्हें किस तरह का उपचार दिया गया है। खुद जो गृह मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं विजय शर्मा, अपने गृह जिले के लिए रवाना हो चुके हैं और स्थानीय प्रशासन को अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ जो चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। एक एक करके दिवंगत परिवार के लिए ट्वीट है वो सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा लगातार आप ट्वीट करके जो शोक संवेदनाएँ हैं वो व्यक्त किया जा रहा है। जी अपर्णा, बिल्कुल, पोस्ट हर कोई कर रहा है, तमाम नेताओं के, जो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी हमने दिखाया है टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को युगल, और खुद डिप्टी CM ने इस बात को माना है, आसानी से सवारी उपलब्ध हो जाती है, कम कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सोचना होगा सरकारों को भी, प्रतिनिधियों को भी, कि क्यों नहीं कोई और व्यवस्था यहाँ बनाई जाती है, ताकि जो आम लोग हैं, जो वहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग हो, उन्हें इस तरह जान जोखिम में डालकर सफर ना तय करना पड़े। ये बिल्कुल अपर्णा, आप सही कह रहे हैं। इस तरह के हादसे सबक लेने की वाली बात है, चाहे ये कवर्धा की घटना नहीं है, इस घटना से पूरा देश बिल्कुल दहल चुका है। 18 लोगों की जान यहाँ पर नहीं है, तो चाहे वाहन चालक हो, वाहन के मालिक हो, स्वामी हो, या फिर आम लोग हो, उसको इस तरह की लापरवाही कभी वो ना बरते। हम News 18 से भी यही अपील करते हैं कि अगर वो मालवाहक है तो उसमें सामान ले जाएं, लाएं, लेकिन इस तरह से सवारी बिल्कुल कतई ना ले जाएं, और इस तरह से ओवरलोड तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। जिस तरह से पिकअप है, बिल्कुल उसकी जो मापदंड है वो सवारी के लिए बिल्कुल बना ही नहीं है, और ऐसे में आखिर ब्रेक फेल क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी, उसकी जो लिमिट कितनी थी, क्षमता कितनी थी, और इसके साथ ही साथ स्पीड क्या था, तमाम ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसे मालवाहक पर स्पीड गवर्नर लगाने की भी ज़रूरत है, ताकि जो ड्राइवर है वो चाहकर भी गाड़ी को तेज रफ्तार ना दौड़ा सके। RTO ने अलग अलग नियम मापदंड बनाए हैं, लेकिन उन नियमों का, मापदंडों का पालन चाहे वाहन चालक हो, वाहन मालिक है, वो बिल्कुल करते नहीं है। यही वजह है कि हादसे के शिकार हैं वो लोग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हादसे का शिकार हो जाते हैं लोग। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या ताजा जानकारी है इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से मालवाहक जो है उसमें मजदूरों को भर के ले जाया जा रहा था, और वापसी के दौरान
जो जानकारी मिली है, इसमें ब्रेक फेल होने के चलते ये हादसा हुआ है। काफी गहरी खाई है जहां पे ये पिकअप वाहन गिरा है, उसमें मौके पर ही जो है 13 लोगों की मौत हो गई थी, बाकी जो 5 लोगों की मौत है वो उपचार के दौरान रास्ते में हुई, ऐसी जानकारी अभी सामने आई है। और जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार के बाद ले जाया गया है, वहां से जो जिनके स्थिति ज्यादा गंभीर है उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अपर्णा, जिला अस्पतालों में जो पहुंचाए गए हैं मरीज, उनकी हालत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी? और कौन कौन से जो बड़े अधिकारी हैं वहां पहुंचे हुए, डिप्टी सीएम के भी पहुंचने की वहां बात हो रही थी मनीष? बिल्कुल, डिप्टी सीएम मौके के लिए रवाना हो गए हैं, वो जल्द वहां पे पहुंचने वाले हैं, और तमाम जिले के अधिकारी हैं और पुलिस विभाग की जो टीम है, एसडीएम है, ये सब मौके पे पहुंचे हैं घटनास्थल पर, और तत्काल जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई जो है वो की गई है। जो तमाम तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो अमला है वो स्वास्थ्य वो वहाँ पे पहुंचा हुआ है, वो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जो है रवाना कर रहे हैं। ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। युगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। युगल हमारे सहयोगी समझा रहे थे किस तरीके से इस तरह के हादसे इन इलाकों में पेश आते हैं, और अब तक तमाम वादे दावे किए गए लेकिन उसके बावजूद भी हादसों पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, क्योंकि व्यवस्था वहां पर इस तरह की है कि इन ग्रामीणों को इस तरह की मालवाहक गाड़ियों का सहारा लेना ही पड़ता है। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी रकम में हेराफेरी का मामला सामने आया है। अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर फर्जी तरीके से निकासी की गई, 3 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली गई। तत्कालीन 3 जिला कोषागार अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीएमओ समेत कुल 11 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शेख इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, 2016 और 2019 में स्वास्थ्य कर्मी के नाम से फर्जी तरीके से कोषालय से पैसा निकाला गया था, और ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। करीब इंक्रीमेंट और एरियस बोनस फाइल बनाकर करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपए तक का पैसा निकाले गए थे। इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल हुआ, पूरे मामले को लेकर जब खुलासा हुआ 4 साल बाद, तो अब बीएमओ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ ये धोखाधड़ी का मामला मैनपुर थाना में दर्ज किया गया है। और इस मामले के बाद अब अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सरकारी रकम हेराफेरी करने का एक पूरा मामला है, और इसमें तत्कालीन बीएमओ के नेगी और तत्कालीन जिला कोषाध्यक्ष गुरुवेंद्र स्टाफ, वर्तमान में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध की गई है। और इस खुलासे के बाद अब ये लगाया जा रहा है कि 4 सालों तक ये एरियस की राशि और बोनस की राशि को हेराफेरी कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मी के नाम से पैसा निकाल रहे थे। और इस खुलासे के बाद अब कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से अधिकारियों का नाम आया है और 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो आगे भी और चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। और इस पूरे मामले की अभी जांच है ना, पुलिस में मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था, गुस्से में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था और बात इतनी बढ़ गई कि तैश में आए पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से 20 बाइक मिली है, 15 लाख की कीमत बताई जा रही है इन 20 बाइक की। एसपी ने गैंग को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को 5,000 का इनाम भी दिया है। जो ये 20 बाइक इनसे पकड़ी गई है, उनकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये चोरी की बाइक है, अंतर्राज्यीय चोर गैंग है, जिसके 5 बदमाश पकड़े गए हैं। कैमरे की मदद से और जो हमारा साइबर सेल है उसके इनपुट की मदद से कुछ लोगों को संदेह
के दायरे में रखा हुआ था। इनमें से एक अनाश खान को हम लोगों ने दंतेवाड़ा से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जब की तो उसने कबूल किया कि वो अलग अलग जगह से बाइक चोरी करता है। इनसे पूछताछ करने में और भी लोगों के नाम आए, जिसमें इसका बड़ा भाई समीर खान का भी नाम आया और साथ में और तीन अन्य लोगों के नाम आए। इन पाँचों को हम लोगों ने हिरासत में लिया और अलग अलग थाना क्षेत्रों की जो बाइक्स हैं वो हम लोगों ने 20 बाइक्स अभी हम लोगों ने बरामद की है जो 15 लाख रुपए कीमती हैं। और हम लोगों को कुछ और लोगों के नाम भी मिले हैं जो कि फरार हो गए हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है, उनसे भी हम लोगों को कुछ और बाइक्स रिकवर करने की उम्मीद है। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाई वोल्टेज तार से गाड़ी टकराने से हादसा हुआ, करंट की चपेट में आया मजदूर, मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैंडपंप खुदाई के लिए गाड़ी जा रही थी तो मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हैंडपंप खुदाई के लिए गाड़ी जा रही थी, करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जहां हाई वोल्टेज तार से ये गाड़ी टकरा गई, जिसकी चपेट में मजदूर आ गया, मजदूर की मौत हो गई। रायपुर में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, रविशंकर यूनिवर्सिटी में छात्रों का यह प्रदर्शन हुआ है। बीकॉम परीक्षा परिणाम से छात्र नाराज हैं, कई छात्रों को जीरो मिला है, जिसकी वजह से छात्र बेहद नाराज हैं और इसी रिजल्ट को लेकर उन्होंने यहां प्रोटेस्ट किया। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर फैसला आया हाईकोर्ट का। 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने के आदेश दिए हैं, महिलाओं की जगह पुरुषों को नियुक्ति दी जाए, 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, 90 दिनों के भीतर नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं। प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के सिलेक्शन को लेकर विवाद हुआ था और अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को अपॉइंट किया जाए। रायपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्रिल ऑपरेटर सहित दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जीआरपी में केस दर्ज हुआ है। उरकुरा रायपुर के बीच यह हादसा हुआ था, ड्रिल का पोल शालीमार एक्सप्रेस से टकरा गया था, चार लोगों को चोट आई और अब ड्रिल ऑपरेटर सहित दो लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोटर गैराज में भीषण आग लग गई, शहर के एक बड़े मोटर गैराज में आग लग गई, गैराज में कई कारें हैं, गैराज में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है, करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। माइनगढ़ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जो काफ़ी लंबे से समय से यहाँ पे गेरी बनी हुई है, उसके यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगाना बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक। यहाँ जैसे ही आग शुरू हुई है मुझे फ़ोन आया, तो मैं तत्काल जो है ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं तत्काल यहाँ घटनास्थल पर पहुँचा, देखा उस वक्त बहुत तेज़ जो है आग की लपटें उठ रही थी, फायर ब्रिगेड उस वक्त तक नहीं पहुँच पाई थी और त्वरित जैसे ही जानकारी सब फायर ब्रिगेड को लगी है, त्वरित फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है और पूरे संघर्ष के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया उन्होंने। जशपुर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई, पथलगांव शहर के बीच ट्रांसफार्मर में आग लग गई, आग लगने से शहर की बिजली गुल हो गई, लोगों ने आग पर काबू पाया, पथलगांव शहर के जशपुर रोड का यह मामला है। तो किस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पागल है बिजली में। पेंड्रा में बड़ा खदान हादसा हुआ है, मुरम खदान धसने से एक मजदूर की मौत हो गई, दो घायल हैं। मुरम खोदने के दौरान हादसा हुआ,
गांव वालों ने मजदूरों को बाहर निकाला। एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दो घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। क्या घटना हो गया था? मुरुम खन रहे थे, मजाक खड़ा था वहीं पे, खन भी रहा था, भी रहा था, खड़ा था, अचानक से गिर गया। गिर गया? पहले कब गए थे? तीन लोग तो अभी अस्पताल में भर्ती है? नहीं, एक खत्म हो। ये पिछले तीन दिन से अपने चार पांच साथियों के साथ दर्री में एक तालाब है, बरगठा तालाब ऐसा करके, वहाँ मुर्रुम का ढेर पहले से बना हुआ, उसको खोदने गए थे। और वही सुबह सुबह 6 बजे जो मुर्रुम का ढेर है वो